ये आप सब जो बैठे हैं यहाँ पे, जज करना है गिरले नहीं गिरना तो आपकी मर्जी, बट मैं तब कहता था अंबर ना कर रिश्ता बचा। अंबर ये ना उस दिन मैं आके सच बता दूं, मेरा कोई चैनल नहीं है, बट मैं आ जाऊंगा चैनल पे। मैंने एक दफा देखना है कि ये YouTube पे आने की ताकत क्या होती है, ऐसी क्या चीज है कि YouTube बीवी को हावन से दूर होने का कर देता है। फाइनल ये है कि अब हमारे खानदान में ये है कि नहीं छोड़ते, तलाक नहीं देते, बट मैंने अंबर नाज ऑफिशियल साहिबा को तलाक इसलिए दी थी कि वो ये मेरी इस बहन को गालियां दे रही थी और जो लाइव यूट्यूब पे भरी है, जिसमें अंबर मानी है खामोश हो गई थी। जो लोग झूठे बोल रहे हैं अल्लाह करे तुम सबके घर में सेम ऐसी सिचुएशन चले, आमीन। मैं अपने भाई को कहती रह गई कि निकाह है ना कोई बात नहीं, मोहसिन चुप हो जाओ, किसी की बेटी है, निकाह है, मंगनी है, दो निकाह है, कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारी इज्जत है, अब वो हमारे घर की इज्जत है, अब हमने कभी उसको नहीं बोलना कि तुम्हारा दो निकाह थे, तुम्हारे एक निकाह थे। और सबर 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 ही हम करते गए, हर वक्त मेरे पीछे, हर वक्त मुझे गालियां देना, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना। घर बचाते हैं, रिश्ता बचाते हैं, अंबर आ घर बचाते हैं। अंबर को मैंने कुछ मैसेजेस किए, यकीन नहीं ना आ रहा। मैं एक चीज दिखाता हूं, ये वही लोग एक मिनट फितना फितना बोल रहे हैं जो निकाह के टाइम पे कह रहे थे कि कहां कर लिया। ओके, मेरे में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी शादी, निकाह मना किया था मैंने, बचा लो रिश्ता, मना किया था मैंने, बचा लो रिश्ता, कहा था मैंने रिश्ता बचाओ। ये अंबर नहीं है, लो स्क्रीनशॉट अगर लेने हैं। मेरे पे कोई दाग नहीं था, मेरे पे कोई दाग नहीं था, मैं क्यों भीख मांग रहा था, क्योंकि मैंने रिश्ता बचाना था। निकाह का सबूत क्यामत वाले दिन तुम सबको दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की, इसका जो फियांसे था ना शेख साहब, मेरे पास वो भी प्रूव है, उसको मैसेज कर करके 2 साल घर बुलाती रही है, 2 साल। मैं तो निकाह में था ना, खत्म हो गया, बस खत्म। मेरे में क्या था, मेरे में क्या कमी थी, मुझे इन्होंने ऐसे ट्रीट किया, क्या लूला लंग रहा था मैं? मैंने जो स्टेटमेंट दी थी ना लाइव आके कि मेरी बहनों ने घर तुड़वाया, वो इनके कहने पे बोला था मैंने, क्योंकि एक दिन पहले शबाना आंटी के लिए बोला था मैंने, मुझे आगे ऑप्शन रखी गई, अब अपनी बहन के बारे में बोलोगे तो बात होगी आगे, इन लोगों के कहने पे बोला था मैंने। अगर मुझे ड्रामेबाज कह रहे हो तो यार थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं ड्रामेबाज हूं तो मैं क्यों कल तक घर बचा रहा था अपना? खुदा के ख्याल करो, सोचो, अगर मैं ड्रामेबाज था
मैं क्या आया हूँ, अब और क्या करूँ, या मैं हैदराबाद आ जाऊँ या इसको जहाज पे बिठा के भेज दे। खुदा की कसम ये बात ऐसे की, ये बात पकड़ के बैठ के मैं अंकल एग्जाम्पल दिया आप समझ रहे हैं, अंकल कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, और भाई उसकी भी तो सुनो, वो कह रहा है एग्जाम्पल दिया है कि मैं घर से बाहर गाड़ी में सामान रख के खड़ा हूँ किधर जाऊं, और मेरी बीवी मुझे ताने मार रही है तुमने किया क्या अभी तक, तो उस बात पे वो बोल रहा है, उस बात पे वो बोल रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पैसे के लिए शादी हो यार, पैसे के लिए शादी की होती मैं अंबर को ये कहता डिलीट कर यूट्यूब, मैं मना करता, बट अब दिल कर रहा है नशा देखूं यूट्यूब का होता क्या है।